खबर रीवा जिले से है, जहां दोस्त के साथ नहर के किनारे पहुंचे युवक ने नहर में छलांग लगा दी। युवक की पहचान पीयूष साहू उम्र 32 वर्ष निवासी कटरा के रूप में हुई है। परिजनों की माने तो युवक संजय गांधी अस्पताल और जिला चिकित्सालय में पर्ची काटने का काम कर रहा था, जिसका किसी महिला सहकर्मी के साथ मित्रता हो गई थी, जिससे वह अक्सर बात किया करता था। गत शाम अपने दोस्त रामलाल सोनी के साथ सिलपरा नहर पहुंचा और अपना मोबाइल उसे देखकर नहर में छलांग लगा दिया। घटना की जानकारी से दोस्त हतप्रभ रह गया और परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस एनडीआरएफ टीम की मदद से तलाश कर रही है। बताया जाता है कि युवक की पत्नी इमली चौराहा करहिया में दुकान संचालित करती है, जबकि युवक वर्तमान में पड़रा में अंडे की दुकान लगाता था। फिलहाल साथी युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। नहीं नहीं, अभी तो यही है नहर में। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली या कोई व्यक्ति कपड़ा कचड़ा जो भी हो सब उठा दे। रात में निकले हुए वो टरबाइन में पानी जाने से कई बार जाली में फंस जाता है ना, बस वही काम करी जाल को नीचे डाल टाइम लगता 15-20 क्या कुछ जानकारी है आपको इस घटना के बारे में और क्या रिश्ता? मैं इनके पीयूष साहू का साले साहब हूँ, सतना में नगर निगम में हूँ। और मुझे जानकारी रात को 8 बजे मिली। जब मैं यहाँ आया तो रिश्तेदारों ने परिवार वालों ने बताया और रामलाल सोनी द्वारा ये बताया गया कि फ़ोन पे बात करते करते ब्लूटूथ के माध्यम से उनको पैटर्न खोलने के लिए कहा, बताया कि अगर मेरे को नशा हो जाए या कोई बात हो जाए तो घर में मेरे सूचना दे देना। और फ़ोन में बात करते करते क्या पता किससे बात कर रहे थे और कूद गए। क्या शंका है, किससे बात कर रहे थे? अब क्या बताएं, फ़ोन कॉल डिटेल पुलिस का काम है आगे का, वही बता पाएंगे। जिसके बाद आजकल तो टेक्नोलॉजी तिहाई है कि सर्विलांस में डालेंगे तो खुद ही पर ऑटोमेटिक पता चल जाता है। ये कल शाम को एक युवक जो है नहर में उसने सुसाइड अटेम्प्ट कराया, ऐसी हमें सूचना मिली पुलिस कंट्रोल रूम से, जिसके तहत SDRF होमगार्ड की टीम घटनास्थल पर पहुंच करके हमने देखा, मौका वारदात पे हमने यहाँ पे देखा नहर में साइफन है अपना और टरबाइन चालू है, जिस वजह से थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो हमने नहर बंद करने के लिए हमने कल ही बात कर ली थी, नहर बंद हो चुकी है, टरबाइन को हमने बंद करने की कार्रवाई कर ली है। अब आगे की कार्रवाई होगी, हम जाल और कांटे के माध्यम से देखेंगे, चूँकि यहाँ पे गहराई 100 फीट से अधिक है, तो सुरक्षा मापदंडों का ध्यान रखते हुए हम सर्चिंग का कार्य आगे करेंगे। किस पद पर है सर, क्या नाम है? मैं सर SDRF प्लाटून कमांडर विकास पांडे। जी, कैसे जानकारी मिली और कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है? जी, इनका नाम तो पीयूष साहू है, ये कटरा मोहल्ले के थे और अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आए थे, उनके दोस्तों के अनुसार, और करीब ये 5:30-6 बजे की घटना है। क्या काम करते हैं, कहाँ है? ये तो इनकी एक यहाँ पे आपकी कढ़िया मंडी में दुकान है इनकी, जनरल स्टोर की, अस्पताल ट्रांसपोर्ट नगर में भी है, अस्पताल में भी कर्मचारी बस। जी, कौन से अस्पताल? बीछिया अस्पताल में थे पहले, इस समय छोड़ दिए थे। बीछिया में संजय गांधी थे जी। ये कुछ कैसे आए यहाँ कुछ? अब ये तो उनके जो दोस्त था वो उसने क्या रामलाल सोनी करके उन्होंने ये बताया कि ये लोग घूमने आए थे इस साइड, वो फिर पता नहीं कैसे कूद गया वो। क्या मोबाइल कपड़े क्या उतार के? हाँ, गाड़ी की चाबी दिया था और मोबाइल दे दिया, अपना पासवर्ड बताया उसको मोबाइल का, और जर्की उतार के कूदा है। जी, कब कूद देंगे? कल 5:30-6 बजे के। अभी दूसरे दिन भी पूरी रात बीत गई जी। अभी गोताखोर या पुलिस की टीम कोई आई यहाँ पर? अभी तो नहीं आई है, कल पुलिस की टीम आई थी वहाँ पे जहाँ पे कूदा था। ऐसा सुना जा रहा है कि कोई एक लड़की है जो बिछिया अस्पताल में शायद उससे कुछ बातचीत हुई है मोबाइल, इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता। मोबाइल पुलिस के हाथ में? जी हाँ, मोबाइल पुलिस के पास है। क्या मानते राजवाटिका विवाह घर?
सर्वसुविधायुक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।